एवरेज वैल्यू मैंने स्टार्ट करवाया, और जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन भी चलते चलते दिया था एवरेज वैल्यू का, या फिर वो डिस्कस हो गया था, एक क्वेश्चन दिया था मैंने। अंजनी बताओ, सर आपने दो क्वेश्चंस कराए थे, एक स्क्वायर वेव फुल साइकिल वो डिस्कस हो गया था। और एक शायद मैंने 2+3t ऐसे कोई टाइम का फंक्शन दे रखा था, रैंडम से डीसी करंट थी बट वेरिएबल थी, उसके लिए कराया था। अब मैं तुमको कराने जा रहा हूं, मान लो हमारे पास एक साइनोसॉइडल करंट, साइनोसॉइडल करंट, करंट दे रखी है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। कहां से आई पता नहीं, कैसे आई पता नहीं, हमको कोई इसकी फिगर नहीं, हमको सिर्फ ये दे रखा है कि I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी एक करंट है। और बिल्कुल जैसे तुमने फेजर अब तक पढ़े बिल्कुल वैसे ही तुमको उसको समझना है। इसकी हमें एवरेज वैल्यू बतानी है, और वो एवरेज वैल्यू हमको बतानी है एक साइकिल में और हाफ साइकिल में, वन फुल साइकिल में वन हाफ साइकिल में। तो अभी ये वाला क्वेश्चन तो मैं करा दे रहा हूँ, सिंपल सा है, फिर इसी के जैसे मिलते जुलते तुमको और भी दूंगा, तुमको इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करना। पहली बात बताओ, ये समझ में आया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मुझे इसका टाइम पीरियड टी टी बाई टू में एवरेज करंट चाहिए। एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे सामने, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। बस मुझे ये बता दो, ये जो टी होता है उसका ये इस इक्वेशन में कहीं कैपिटल टी तो आ नहीं रहा है, कैपिटल टी का ओमेगा के साथ क्या रिलेशन होता है? चलो करने जा रहे हैं। सबसे पहले फुल साइकिल के लिए एवरेज निकालने जा रहा है, फुल साइकिल कंप्लीट साइकिल, यहां से यहां। एक तो है कॉमन सेंस तरीका, दूसरा है मैथमेटिकल। कॉमन सेंस भी यूज कर लेते हैं, मैथमेटिकल भी यूज कर लेते हैं। इंटीग्रल आई डी टी, फॉर दैट मैटर इंटीग्रेशन जैसी चीजें ग्राफ में एरिया रिप्रेजेंट करती, सबको पता है डिफरेंशिएशन ग्राफ में स्लोप होता है और इंटीग्रेशन ग्राफ में एरिया बता। बोलो गोविंद, गोविंद इंटीग्रेशन ग्राफ में क्या बता? इंटीग्रेशन एरिया देगा, एरिया बता। तो बताओ बेटा, अगर मुझसे इंटीग्रल आई डी टी, ये आई है, ये टी टाइम है, ये करंट है, इंटीग्रल आई डी टी मतलब इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, यानी कि एरिया पूछ रहे हैं एक साइकिल तक का एरिया। तो बताओ टोटल एरिया कितना आना चाहिए? जीरो। बिल्कुल। अरे यार, एक साइकिल में ये एरिया, इतना एरिया जितना प्लस है बेटा उतना ही माइनस है, तो पूरा एरिया कितना आना चाहिए? जीरो। तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि इसका अगर तुम इंटीग्रेशन निकालोगे जीरो आएगा एक साइकिल में, तो एक साइकिल में जब मुझसे एवरेज पूछा जाएगा इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, तो ये तो ऊपर एरिया है और एरिया एक साइकिल में जीरो है, और नीचे एक साइकिल का टाइम इंटीग्रल डीटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टाइम जीरो अकाउंट समथिंग जीरो आएगा। अभी हम लोगों ने एसी नहीं पढ़ी कि कहां से आई क्यों आई, वो कराऊंगा आज की क्लास, बट एवरेज और आरएमएस निकालना बता रहा हूं, एवरेज बता रहा हूं अभी, तो सिर्फ एवरेज पे फोकस करो। किसी भी साइनोसॉइडल करंट का, किसी भी साइनोसॉइडल करंट, मान लो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी ना होती, ये होती I is equal to 4 cos omega t, cos होती ऐसा कुछ वैल्यू है, तब भी तुम cos का ग्राफ बनाते, cos की एक साइकिल दिखाते, एक टाइम पीरियड दिखाते, ये रहा cos का एक टाइम पीरियड, cos का एक टाइम पीरियड,
अब जब तुम इसका एवरेज निकालते तो इंटीग्रल आईडीटी एक साइकिल के एरिया निकालते एक साइकिल, देखो ये गया 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 और फिर उसी पे वापस आ गया एक साइकिल। तो बेटा क्या इस बार इंटीग्रेशन या एरिया कुछ और आएगा कि अभी भी जीरो ही आए? जीरो जीरो आएगा, जीरो ही आएगा। क्यों? प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, सिमेट्री सिमेट्री, तो अभी भी जीरो आएगा। अच्छा ये बताओ, मान लो यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी ना होके आई नॉट साइन टू ओमेगा टी होता तब क्या होता? तब भी जीरो ही होता, तब भी जीरो जीरो होता। अबे तुम बताओ आई नॉट साइन एन ओमेगा टी, आई नॉट साइन एन ओमेगा टी होता तब क्या आता? सर जीरो। क्यों? क्योंकि कोई भी साइन ले लो, कोई भी कॉस ले लो, होगा तो सिमेट्रिक ही ना। कोई भी साइन हो, कोई भी कॉस हो, यानी कि कोई भी साइनोसॉइडली वेरिंग करेंट या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू एक साइकिल में हमेशा हमेशा जीरो होती है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, साइन ओमेगा टी हो कॉस ओमेगा टी हो, साइन टू ओमेगा टी हो कॉस थ्री ओमेगा टी हो, साइन टेन ओमेगा टी हो, पूरा तुम्हारा इंटीग्रल एन ओमेगा टी टाइप हो, तो उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो आए। लिख लो इसको, देखो एवरेज वैल्यू ऑफ एनी साइनोसॉइडली वेरिंग करंट और वोल्टेज एवरेज वैल्यू ऑफ एनी साइनोसॉइडली वेरिंग करंट और वोल्टेज इन वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। बोलो लिख लिया सबने? Yes. अब मैं कह रहा हूं हाफ साइकिल में करने जा रहा हूं, मैं कर देता हूं इसमें, बाकी तुम लोग बताओगे अगले। हाफ साइकिल में करने जा रहा हूं, मेरे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और मैं इसकी हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं आधी साइकिल में। आधी साइकिल मतलब ये पूरी साइकिल टी, आधी साइकिल टी बाई टू सिर्फ इतने, ये इतना। क्या ये अभी भी जीरो आएगी बेटा? क्या अभी भी जीरो आएगी? जीरो अभी भी जीरो आ नहीं सकती बेटा, क्योंकि ये प्लस माइनस जीरो कैंसिल कहाँ होगी? इतने में कहाँ कैंसिल हो, इतने में तो तुम्हारा नॉन जीरो है, जीरो आ ही नहीं सकती। देयर मस्ट बी सम वैल्यू, कितनी कर लो अभी मैथमेटिक, अभी मैथमेटिकली करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया कोई साइन के ग्राफ का एरिया ना रेडी बैठे, तो इसको तो करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू आई एवरेज इंटीग्रल आई डी टी, इंटीग्रल आई डी टी लिमिट जीरो से बताओ बेटा टी रखें कि टी बाई टू रखें? नीचे टाइम रखना होता है, वो जो इंटीग्रल डी टी होता है सीधे सीधे, वो क्या इंटीग्रल डी टी करना, सीधे लिख दे टी बाई टू। बोलो यस सर, लिख दे। चलो लिख दिया,
आई नॉट बीइंग ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, बचा इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन विस्तार माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, चलो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, क्या ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख ले बेटा, यस लिख लिया मैंने, लिमिट कितने से कितने, जीरो से टी बाई टू, नीचे एक टी बाई टू था बेटा पहले से ही, रहने दो उसको, टी बाई टू तो है ही पहले से कॉन्स्टेंट है, नीचे आ रहा था टाइम वाला इंटीग्रल आई डी टी अपन इंटीग्रल डी टी वाला इंटीग्रल डी टी आधी साइकिल टी बाई टू। आप मुझे बताओ इफ ये हटा देता हूं, आप मुझे बताओ ये जो आई नॉट बाई नीचे लिखा हुआ ओमेगा टी बाई टू ये क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ये जो टी होता है कैपिटल टी होता है वो ओमेगा से कैसे रिलेटेड होता है मुन्ना, टू पाई बाई ओमेगा होता है, पाई बाई टू टू पाई बाई ओमेगा, तुम्हें तो लग रहा पेन चबा डालोगे आज, प्लास्टिक खाने लगे हो, बताओ गोविंद टी अगर टू पाई बाई ओमेगा है, टी टू पाई बाई ओमेगा है तो ओमेगा टी की वैल्यू टू पाई और यहाँ पे आ रहा ओमेगा टी बाई टू, तो ओमेगा टी अगर टू पाई है तो ओमेगा टी बाई टू की जगह नीचे सीधे पाई रखते बोलो गोविंद, यस सर, पहले आप खा रहे थे अब तुम पेन की टिप खा रहे हो क्या बात, yes. बताओ अग्नि, सर यही आएगा पाई, अच्छा यही आएगा पाई, जो मैं लिखूं वही आ जाएगा, चलो पाई आ गया, अब यहाँ पे क्या करें लिमिट रख, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस है तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट रख, तो लोअर लिमिट पहले रख देते बेटा जीरो रख देते, तो टी यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो तो एक बन गया कॉस जीरो, फिर यहाँ पे स्मॉल टी की जगह टी बाई टू रख देंगे तो बन जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई टू, कॉस फाइव ओमेगा टी बाई टू, फिर जरूरत पड़ी देख रहे हो यहाँ पे अपने टी बाई टू रखोगे बेटा तो ओमेगा टी बाई टू क्या रखते हैं सिवेंद्र, कॉस पाई, पाई, कॉस पाई, कॉस पाई, अब बताओ अभी कैंसिल होगा, नो सर, अब तो कैंसिल नहीं होगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन और कॉस यूनिटी की माइनस वन, वन माइनस माइनस वन कैंसिल होने की बजाय उल्टा जुड़ जाएगा टू आ जाएगा, कितना लिख दें आंसर बोलो, वाई नॉट बाय पाई, हाफ साइकिल में एवरेज करंट जीरो नहीं आएगी, अच्छे अच्छे बता कितनी आएगी हाफ साइकिल में, टू आई नॉट बाय पाई, टू आई नॉट बाय पाई, मान लो अगर यहाँ पे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ना I की जगह V लिखा होता है वोल्टेज होता, अभी तो मैं नहीं पता क्या है ये क्यों है, बट इतना पता है कि अगर इस टाइप का टर्म है तो उसकी एवरेज वैल्यू ये होती है, भाई अगर कोई चीज बदल रही है और तो लगातार बदल रही है तो समवेयर इसकी एवरेज वैल्यू तुम निकालोगे ही निकालोगे, एक वैल्यू तो बताओगे बताओगे, कुछ कम है वैल्यू कुछ ज्यादा है तो एक मीन वैल्यू बताओगे, मीन वैल्यू अगर हमारे पास गिनी चुनी तीन चार पांच होती तो जोड़ के डिवाइड बाय थ्री फोर कर लेते हैं, लेकिन जब कंटिन्यूअसली कोई फंक्शन बदलता है तो हमारे पास इंटीग्रेशन के सिवा और कोई तरीका ही नहीं, इसलिए हम इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी से एवरेज निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से बताओ, देखो इफ इन एन एसी सर्किट वोल्टेज varies with time as, शिवेंद्र लिख लो बेटा गप्पे बाद में लड़ा देना, if an
if in an AC circuit, voltage varies with time as V is equal to 220 sine 100 pi t. 220 sine 100 pi t. Then what would be the average value of the voltage? What would be the average value of the voltage in pehla question, one complete cycle? Number two, half of the cycle. सर दोबारा पहली लाइन रिपीट कर दीजिए. इफ इन एन एसी सर्किट वोल्टेज वेरीज विद वी के बाद सी सर्किट वोल्टेज वेरीज विद टाइम मैच 220 sin 100 pi t. ठीक. देन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन वन कंप्लीट साइकिल हाफ ऑफ द साइकिल. बोलो जल्दी सर. इस क्वेश्चन में आपने लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट साइकिल के लिए जीरो. बोलो बोलो. लोअर लिमिट अपर लिमिट कौन पूछेगा? बोलो बेटा. सर इस क्वेश्चन में आपने लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्यों किया था? माइनस किया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का. माइनस साइन खा भी तो गया. बाकी लोग बताओ हो गए आंसर? ये तो बिल्कुल सीधे फॉर्मूला तुम्हारे सामने तो लिखा है सब कुछ. कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो. बिल्कुल सही. हाफ साइकिल के लिए 440 साइन 100 पी. बेटा साइन कहाँ से आएगा? एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू तो एक वैल्यू आएगी ना. साइन कहाँ से आएगा? साइन वाइन तो ही ना आएगा. सीधे वैल्यू बताओ. बोलो. यार तुमको फिर से इंटीग्रेशन नहीं करने लगना है. तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है बिल्कुल वही करना है. आई तो वही तो कर रहे. साइन ओमेगा टी में जैसे 2i0/π हुआ वैसे ही वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी में हाफ साइकिल का एवरेज 2v0/π होगा. अब वी नॉट जो है वो 220 है. V naught जो है वो 220 है. तो 2 V naught upon pi करोगे तो 2 into 220 upon pi सीधे आ जाएगा 440 upon pi. That's it. इतना तो आसान सा क्वेश्चन है. बोलो. यस सर. हो गया. हो गया. अब है सर हाफ साइकिल का बताइए. V is equal to V naught sine omega. क्या ये बिल्कुल बेटा वही है पुराना I is equal to I naught sine omega t के जैसे? तो जब half cycle में 2i0/π होता था तो यहाँ half cycle में 2v0/π होना चाहिए. हाँ सर. तो V naught बेटा तुमने तो खुद ही लिखा है ना क्वेश्चन में 220 है. दरअसल यस सर. ठीक. बोलो बेटा प्रांजल. यस सर. हो गया. आगे बढ़े. चलो अगला क्वेश्चन. अब ये अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे.
लिखो इन ए सर्किट करंट वेरीज विद टाइम एज ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी देन व्हाट वुड बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन वन कंप्लीट साइकिल व्हाट वुड बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन वन कंप्लीट साइकिल जीरो. वेरी गुड. किसने बताया आंसर? सुहानी. हाँ वेरी गुड सुहानी, तुम पढ़ रही हो उसका मतलब. बाकी लोग जो है पेन चबा रहे हैं. गोविंद नहीं सर. अच्छा तुम बताओ बेटा आंसर बताओ, मजाक कर रहा हूं. बेटा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इन सबको जब तुम फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करोगे, फुल साइकिल चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, फुल साइकिल में इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रल डीटी वाला टर्म चाहे जब तुम इसको करोगे आई एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रल आई डीटी इंटीग्रल ए साइन ओमेगा टी डीटी इंटीग्रल बी कॉस ओमेगा टी डीटी अपॉन फुल टाइम पीरियड करोगे तो एक साइकिल में बेटा ये साइन ओमेगा टी वाला जो ग्राफ होता है एक साइकिल में प्लस माइनस होने के बाद क्या देता है? जीरो 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 जीरो. तुम्हारी कॉपी में अभी तो लिखवाया कॉपी में कि साइन कॉस यानी कि साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल मतलब साइन कॉस सारे आते हैं कि वो साइनोसॉइडल फंक्शन एक साइकिल में जीरो हो जाते हैं. ये भी जीरो. तुम चौ बार बार लंबा चौड़ा करो इंटीग्रल साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा इंटीग्रल कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा लिमिट रखो अपर लिमिट करने का कोई फायदा नहीं. रखने के बाद भी जीरो ही आना है बेटा, रखने के बाद भी जीरो ही आना है. रख के देख लो चौ जीरो ही आएगा, चाहे सीधे कर दो लॉजिक चाहे तुम वो लिमिट रख के कर लो, दोनों से जुड़ा है. बोलो बेटा आ गया सबका? यस यस यस. अनिल अनिल कुमार. हाँ सर आ गया. हाँ सर आ गया. तब तुम बताओ अगला क्वेश्चन, सब लोग कर लो. अगला है करंट है आई इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर साइन ओमेगा, इसकी एवरेज वैल्यू बताओ एक साइकिल में. आंसर मत बताना सुहानी जी के, हो गया बस ये बता देना, बाकी लोगों को करने दो. ईशान हो रहा बेटा? हो गया सर. बताओ फिर. सिक्स पाई बाय ओमेगा. मैंने एक साइकिल बोला, हाफ साइकिल नहीं बोला. सर 3t आएगा, 3t आएगा तो 2 पाई बाय ओमेगा डाल दे. 3 आएगा. यस सिर्फ 3. बोलो कितने लोगों का 3 आ रहा है? यस सर. यस सर आ गया. यस सर आ गया. 3 आया है. सब का गया 3? हां सर. हां आ गया. विशाल. यस सर आ गया. यस सर आ गया. सबका 3 आ गया. चलो तो एक काम करते हैं, इसकी थ्री प्लस फोर साइन ओमेगा टी की हाफ साइकिल का निकालो. थ्री प्लस फोर साइन ओमेगा टी की हाफ साइकिल. अब बताओ सर 3 आएगा हाफ साइकिल का. हाँ. देख लेना. हाँ. 3 प्लस 8 6 5 5 6
एट पाई, एट बाई पाई, सबके अलग अलग आ रहे इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म कर लो, चेक कर लो। फिर थ्री लग रहा है, सिक्स प्लस बाई पाई, लगने वाली कौन सी बात है, देख के तुम्हें ना बताना है कि लग क्या रहा है। इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी, इंटीग्रल आई डी टी, इंटीग्रल थ्री डी टी प्लस इंटीग्रल फोर साइन ओमेगा टी, लिमिट आधा टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड, टी बाय टू, नीचे भी मुन्ना टी बाय टू ही लिखना, आधी साइकिल है ना टी बाय टू। करते इंटीग्रेट, पहला टी कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ई टी टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी बाय टू प्लस फोर। अब गलती से भी सीधे साइन इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी जीरो मत लिख देना मुन्ना, ये पूरी साइकिल में जीरो होता है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, हाफ साइकिल में जीरो नहीं होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया हाफ साइकिल में एवरेज आ सकता है, जेईई में एवरेज और आरएमएस करंट की आती है क्वेश्चन, तो कभी भी हाफ साइकिल के लिए इसको जीरो मत कर देना। तो क्या करोगे प्रॉपरली, चलो बेटा इंटीग्रल साइन ओमेगा टी को देखो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, बाय ओमेगा, और लिमिट जीरो से टी बाई टू है, रहने दो, नीचे तो हमारे पास टी बाई टू है, रहने दो। अभी सॉल्व करते हैं, क्या आएगा ये वाला पोर्शन दिख रहा है सबको, सी टी बाई टू प्लस फोर अपॉन ओमेगा, फिर वही चीज लिमिट रख ले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस है तो उल्टा कर लेते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट रखोगे टी की जगह जीरो बेटा, कॉस जीरो माइनस, जब टी बाई टू रखोगे तो ओमेगा टी बाई टू, अभी एक मुश्किल से दो पांच मिनट पहले ओमेगा टी बाई टू लिखा था मैंने, ओमेगा टी की वैल्यू टू पाई, तो ओमेगा टी बाई टू की वैल्यू पाई, cos pi, pi, और cos pi की वैल्यू बोलो कितनी, cos 180 minus 1, लेकिन 1 minus 1, 1 minus minus 1, इसलिए 2, 1 minus minus 1, तो यानी और नीचे डिवाइड हो गई, नीचे डिवाइड हो गई, तो बन गया 3t by 2 plus ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 upon omega t by 2 नीचे डिवाइड, अब मैं काट रहा हूं टी बाई टू से डिवाइड टू बेटा तो थ्री आया, प्लस ये बना एट अपॉन ओमेगा टी बाई टू, टू का ले आया, दिख रहा सबको यहां तक, यस सर, हां सर। अब देखो ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू टू पाई थी, ओमेगा टी की वैल्यू मैंने टू पाई रख दी, टू से टू कट गया, बोलो कितना आ रहा है आंसर, थ्री प्लस अब मुझे बताओ कितने लोगों का ये सही आया, क्योंकि काफी लोग जल्दबाजी में थे, तो आनी तुम्हारा सही था, बिल्कुल सही, चलो बहुत बढ़िया, और कितने लोगों का सही आया था, बोलो किसने और किसने सही आया था, नाम बताओ बेटा, गौरव, अच्छा और यही आया था, यही आया था अंजनी, तो आवाज में पहचान गया अंजनी की है, और यस सर ईशांत, ईशांत का भी आ गया था, ये बेटा पहले अटेम्प्ट में आ गया था कि अभी, नहीं आ गया था इसे शायद, अच्छा चलो टी को से टू पाई बाय ओमेगा नहीं रखा था, अच्छा चलो समझ गए, समझ गए ना मेन बात, ये सब लोग समझ गए, ठीक यस सर। अब देखो एक दिक्कत है, यस क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अभी हमने भले एसी का चैप्टर ना पढ़ा हो, पर हमें मालूम है कि हमारे घरों में जो डोमेस्टिक करंट है
वो कुछ कुछ ऐसी साइनोसॉइडल होती है। अब वो अगर साइनोसॉइडल होती है, साइन ओमेगा टी होती है, बताऊंगा उसकी इक्वेशन होती है जो वोल्टेज आता है हमारे घरों में, सबके घरों में वही वोल्टेज आता है, 220 रूट 2 साइन 100 पाई टी उसकी इक्वेशन होती है। 220 रूट 2 उसकी पीक वैल्यू होती है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और उसके जब तुम फ्रिक्वेंसी से निकालोगे ओमेगा तो 100 पाई होता है। क्यों होता है वो बताऊंगा, छोड़ दो तुम्हें लिखे जो होती है। अब ये बताओ अगर वो साइनोसॉइडल है यानी कि उसकी एवरेज वैल्यू जीरो है, यानी कि तुम कल जाओ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बिल लेके और बोले कि बिल कैसा, तो बोले बिल जो तुमने कंज्यूम किया, तो बोलो कि इसका बिल, अभी मैंने पढ़ा फिजिक्स में एवरेज वैल्यू जीरो होती है, मेरी कोई गारंटी नहीं मैंने ली, कोई करंट आई नहीं मेरे घर में, एवरेज वैल्यू उसकी जीरो है, कभी इधर आ रही थी कभी इधर आ रही थी, आधी साइकिल प्लस थी आधी साइकिल माइनस थी, एवरेज वैल्यू जीरो है, किस चीज का पैसा मांग रहे हो भैया, भगा देगा वहीं से, हैं वहीं से भगाएगा, वहीं से भगा देगा। चलो देखो, भगाएगा नहीं, थप्पड़ मार के भगाएगा वो, ठीक है, कह देगा फिर भगाएगा। देखो ऐसा है, क्या दिक्कत है, एवरेज वैल्यू जीरो तो क्या दिक्कत है, देखो दिक्कत ये है हम लोग घरों में वोल्टेज या करंट कंज्यूम नहीं करते, हम लोग घरों में पावर कंज्यूम करते हैं, पावर, इसलिए करंट की एवरेज वैल्यू या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं, हमको पावर की एवरेज वैल्यू से मतलब, क्योंकि हम लोग अपने घरों में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी की यूनिट्स जूल किलोवाट आवर में, तो एनर्जी होती है, और टू बी प्रेसाइज हम उसको जूल में भी कन्वर्ट करके बता सकते हैं, एनर्जी के बल्ब चल रहा है, एसी चल रहा है, ये रूम में फैन चल रहा है, ये वोल्टेज और करंट कंज्यूम नहीं करते, ये एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। और एनर्जी पावर, मुझे बताओ पावर में क्या आता है, आई आता है पावर के फॉर्मूले में, सबने करंट इलेक्ट्रिसिटी, पावर में आई आता है कि आई स्क्वायर आर, हीट का आई स्क्वायर आर आता है कि आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो अब मुझे बताओ बेटा, एवरेज वैल्यू जीरो है लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू नहीं है, एक साइनोसॉइडल सर्किट में एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो, एक फुल साइकिल की देखोगे तो हमेशा जीरो होगी, एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होगी, लेकिन हम ये काम किसी काम की नहीं, तो मैं तुमसे बोलूंगा कि अगर मेरे पास करंट टाइम के साथ बदल लेगी, कोई मुझसे पूछे कि किसी मूवमेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है, तो मैं बोलूंगा भैया इंस्टेंटेनियस पावर है आई स्क्वायर आर, आई क्या है, आई आई नॉट साइन ओमेगा टी, बदल रहा है, बताओ कुछ भी जो इंस्टेंटेनियस पावर होती होगी एसी सर्किट की, क्या वो पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या वो कोई कांस्टेंट होती होगी एसी सर्किट में, टाइम का फंक्शन होती होगी, वेरिएबल होती होगी, टाइम का फंक्शन, टाइम का फंक्शन वेरिएबल होती होगी, हाँ सर, अनिल पावर एसी ये इस तरह की करंट पावर कांस्टेंट होती होगी कि वेरिएबल होती होगी, वेरिएबल, अगर पावर वेरिएबल है तो एक वर्ड सुना होगा हीट, पावर अगर पर सेकंड है और मैं एक छोटा सा इंटरवल लू डीटी, डीटी टाइम में कितनी हीट डेवलप होगी, तो मैं बोलूंगा आई स्क्वायर आर डीटी होगी हीट। अब मैं क्या, ये आई स्क्वायर आर डीटी किसी मोमेंट में हीट है तो उसको मैं डीएच लिखू, डिफरेंशियल इंटरवल डीटी में डीएच हीट पैदा हो रही, अब अगर इतनी हीट तुम्हारी डीटी टाइम में तो पूरी साइकिल में कितनी हीट है, तो इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डीटी, और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा जीरो से टी, ये क्या लिखा है बताओ, ये क्या लिखा, इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डीटी जीरो से टी, ये क्या लिखा है, पावर लिखी है कि हीट लिखी है, हीट मतलब इतने जूल बल्ब एसी कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, क्या लिखे हीट, हीट कितनी इंस्टेंटेनियस की टोटल, टोटल इन वन साइकिल, क्या लिखा है, टोटल, टोटल लिखा है, अब अगर ये टोटल हीट इन वन साइकिल है, इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डीटी जीरो से टोटल हीट,
अब मैं तुमको बोलूं कि बेटा इतनी ही हीट एक डीसी करंट अगर करती, इतनी हीट अगर एक डीसी करंट करती तो डीसी में तो इंडिकेशन ना करते, सीधे तुम लिखते डीसी में आई स्क्वायर आर टी, टी यहां पे टाइम पीरियड है। तो क्या वो जो डीसी करंट है जिसको मैं आज के बाद से आरएमएस करंट बोलूंगा, वो क्यों बोलूंगा, वो बोल जाओ, चलो आरएमएस में ना बोलो, क्या वो जो डीसी करंट है जो कि उतनी हीट पैदा करे कि जितना कि हमारा एसी सर्किट कर रहा है, तो वो एटलीस्ट पिछले वाले से तो अच्छा आंसर होता, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एवरेज वैल्यू जीरो का तो कोई लॉजिक देते नहीं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला तुमको लॉजिक समझाता कि भैया हम तुमको एनर्जी देते हैं, तुम मुझे उस करंट की वैल्यू बताओ जो कि पावर, जो कि हीट उतनी ही जनरेट करें, और हीट ऑब्वियसली क्योंकि हमारे एनर्जी तो कंज्यूम हुई हमारे घरों में, तो इसका मतलब है कि एक करंट की एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि आई स्क्वायर आर टी में आती होगी। और आई स्क्वायर में देखो क्या फायदा होता है कि जब स्क्वायर करते हो तो जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही, जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो आई स्क्वायर का जो एवरेज है, आई का एवरेज जीरो हो जाता है क्योंकि प्लस माइनस, बट आई स्क्वायर का एवरेज जीरो नहीं होगा क्योंकि निगेटिव भी प्लस बन जाएगा। और वो आई स्क्वायर का जो एवरेज होता है जिसको मैं इक्विवेलेंट बोल दूं, आई डीसी बोल दूं या आई आरएमएस बोल दूं, इन सब का मतलब होता है ऐसी करंट की वैल्यू जो कि उतनी ही पावर जनरेट करे डीसी में जितना कि पूरा एसी सर्किट कर रहा है, उस करंट को हम इक्विवेलेंट करंट भी बोलते हैं, आई डीसी भी बोलते हैं और आई आरएमएस भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा आर से आर कट जाएगा और ये बन जाएगा आर से आर कट जाएगा और बन जाएगा आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर का रूट इधर ले आए, अंडर रूट आई स्क्वायर डीटी लिमिट जीरो से टी डिवाइडेड बाय ये जो टी है, टाइम है टोटल, इस टाइम को लिख लो इंटीग्रल डीटी जीरो से टी। बोलू ये आर से आर कट गया, इंटीग्रल आई स्क्वायर डीटी और एक टी इधर लिया जीरो से टी, डीटी ले लिया। अब ये क्या है बेटा, ये स्क्वायर करो और इसे टाइम से डिवाइड करके उसका मीन निकाल लो और ऊपर अंडर रूट कर दो, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, इसलिए इसको बोलते हैं आरएमएस करंट और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एसी करंट, क्योंकि इफेक्टिवली ये क्या बता रही है, ये जो सबसे मेन चीज है भाई सर्किट की, पावर कंजम्पशन एनर्जी, फिजिक्स वाली घूम अल्टीमेटली घूम फिर के एनर्जी और पावर ही सबसे मेन होता है, और आरएमएस करंट वो करंट होती है जो इफेक्टिवली सर्किट की पावर कंजम्पशन बताती है। जब तक तुम ये नहीं बोलोगे कि 220 वोल्ट का एसी, 220 वोल्ट के एसी हम क्वेश्चन करते थे डीसी में भी करंट डेंसिटी में, कि एक एसी सर्किट में 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है, तो तब नहीं सोचते थे कि वोल्टेज तो लगातार बदल रहा है, तो हम अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू रखें, तब तो तुरंत 220 वोल्ट से आंसर निकाल लेते थे, इसलिए क्योंकि 220 वोल्ट हमेशा आरएमएस वैल्यू होती थी और सर्किट में एसी सर्किट में पावर निकालते वक्त आरएमएस ही मैटर करती है, आंसर तुम्हारे सामने, रीजन तुम्हारे सामने, और ये जीरो नहीं आता क्योंकि स्क्वायर का एवरेज है ना, स्क्वायर का मीन और फिर अंडर रूट, इसीलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर फिर मीन और फिर अंडर रूट, इसीलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर आई आर एम एस। बोलो को समझ में आया क्या, क्यों आर एम एस क्यों किया गया? यस सर, यस, ठीक लिख लो पहले इतना, फिर मैं आर एम एस की डेफिनेशन लिखूंगा। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, एक तुमको एवरेज बताई, दूसरा सर्किट में आरएमएस वैल्यू मैटर कर, लिख लो।
जब लिख लेना तो बता देना, रब कर दूंगा और आरएमएस की डेफिनेशन लिखवा दूंगा। सर ये आई इक्यू लगते हैं, ये इक्विवेलेंट डीसी की वैल्यू होती है या एसी की होती है? ये एसी का डीसी इक्विवेलेंट, एक एसी करंट जो लगातार बदल रही है, अगर उसको एक सिंगल करंट वैल्यू के टर्म में यानी कि डीसी करंट के टर्म में बताना है जो उतनी ही पावर या एनर्जी कंज्यूम करे, तो उस करंट को हम इफेक्टिव वैल्यू, डीसी वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, जो मर्जी चाहे वो नाम दे, चारों नामों से बोलो। यस ठीक, लिख लो भैया फिर। अगर लिख लिया हो तो बता देना। हाँ सर। ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस करंट। अब देखो करंट है तो आरएमएस करंट है, वोल्टेज दिया होता तो आरएमएस वोल्टेज निकलता, तो हम दोनों के लिए एक लिख लेते हैं। देखो आरएमएस वैल्यू, अच्छा वोल्टेज होता था याद है, पावर आई स्क्वायर आर, वोल्टेज में वी स्क्वायर बाई आर आता, आर तो आर कट ही जाता, वहां पे भी तो वी स्क्वायर ही आता और स्क्वायर का एवरेज वैल्यू तो नहीं होता, वहां पे वही करते इंटीग्रल v स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल dt और फिर अंडर रूट ले लेते हैं, तो वो vrms हो जाता। जैसे irms लिखा है तो वैसे vrms क्या बनता, vrms बनता बेटा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रल v स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल dt। याद रखना जितना टाइम पीरियड नीचे होते हैं ऊपर। तो बेटा प्रांजल लिखो आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू की डेफिनेशन। लिखो आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और effective value of an AC, of an AC current or voltage, AC current or voltage is that constant value, is that constant value which will have same power consumption, which will have same power consumption which will have same power consumption as the given AC circuit, which will have same power consumption as the given AC circuit, as the given AC circuit। बोलो बेटा लिख लिया? Yes sir। अच्छा चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले तुम लोग करोगे फिर मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं,
स्क्वायर वेव I नॉट माइनस I नॉट क्या एवरेज ने भी इसी से स्टार्ट किया था है ना संस्कार एवरेज वैल्यू कितनी आई थी इसकी एक साइकिल में एक साइकिल में इस स्क्वायर वेव एवरेज वैल्यू कितनी आई थी जीरो 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 सर जीरो बताओ आरएमएस वैल्यू बताओ हुआ सर आई नॉट सही सर आई नॉट बिल्कुल सही यस अच्छा कॉमन सेंस भी नहीं है कि स्क्वायर कर दोगे तो जो नेगेटिव वो भी लेट ऊपर ही आ जाएगा यस सर आई नॉट ही आना है भाई कांस्टेंट है इसको अगर तुम करोगे इंटीग्रल इसका आई नॉट स्क्वायर डीटी इसका भी तो स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर डीटी आएगा कॉमन नेगेटिव हो जाएगा माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही होगा नीचे जो है टाइम पीरियड से डिवाइड करना है और उसका अंडर रूट लेना है इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इसका अलग कर दो इतना अलग कर दो ये जीरो से टी बाई टू तक है ये टी बाई टू से टी तक है तो इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकते हो ना ब्रेक करके कर दो जीरो से टी बाई टू ये वाला फंक्शन है टी बाई टू से टी ये वाला फंक्शन है ये लग पाते कि टी बाई टू से टी में भी आई नॉट स्क्वायर आ रहा है माइनस का होने के बाद स्क्वायर होने के बाद और जीरो से टी बाई टू में तो है ही स्क्वायर अब देखो आई नॉट स्क्वायर यहां से बाहर इंटीग्रल डी टी टी बाई टू यहां से आई नॉट स्क्वायर बाहर होने के बाद इंटीग्रल डी टी 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 में से टी बाई टू है टी बाई टू यहां से टी बाई टू जुड़ेगा टी नीचे नीचे कैंसिल बोलो बेटा बोलो यस सर आई नॉट आएगा हो गया था यस सर ठीक ये समझ गए तो अब चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी जिंदगी और भी है खत्म तो होने ही जाएगी साइनसॉइडल से करंट इन ए सर्किट वेरीज विद टाइम एस आई इज इक्वल टू थ्री टी वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन Find the average and RMS both in interval t is equal to 0 to 3 seconds. 0 to 3 seconds. बोलो बेटा क्वेश्चन समझ में आया चलो फिर कर डाल सर ये 3t स्लोप है 3t स्लोप तो होगी ये करंट की इक्वेशन है आई इक्वल टू 3t वाई इक्वल टू में तो भी 3 हो जाएगी ना सर एवरेज तो 9 बाय 2 आ रहा है अच्छा भाई बाकी लोग भी कभी कभी बता दिया करो शिवांशु पृथ्वींस मौन व्रत है क्या तुम लोगों का
एवरेज और आरएमएस जीरो से थ्री सेकंड के इंटरवल में, आई इज इक्वल टू थ्री वाई रूट टू थ्री रूट टू क्या बता रहे हो? एवरेज बता रहे हो, आरएमएस बता रहे हो, बताओ तो। सर आरएमएस 8 8 आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चार ऑप्शन दिए होते तो चारों भी तक खत्म हो जाते होते, चार तो तुम दो आंसर दे चुके हो। तो 3√3 आ रहा है, 3√3 आ रहा है, पांच ऑप्शन हो गए भाई तुम लोगों के अब तो। कितने लोगों का बैच है तुम्हारा भाई? अभी तुमने 30-35 ऑप्शन दे डालोगे आज आरएमएस की वैल्यू। शिवांशु भाग्य भाई, शिवांशु प्रथमेश √27 आ रहा है, √27। अच्छा अच्छा रंजल से तो बात हो गई। कृतिका, कृतिका तुम्हारा कुछ आंसर नहीं आ रहा? √3। ये कृतिका की आवाज इतनी मोटी है सर? कृतिका नहीं। कृतिका, कृतिका कहाँ गायब है भाई? अभी तो कृतिका की आवाज आई थी मोटी सी भारी सी। मैं था कृतिका बना दिया, नाम बदल लिया तुमने अपना। चलो कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अटेम्प्ट कर लिया तुमने? यस, 3√3 आ रहा है आरएमएस। यस सबसे पहले एवरेज, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डीटी, इंटीग्रल थीटी डीटी अपॉन इंटीग्रल डीटी, इसे टाइम होता है, टाइम 3 सेकंड, लिमिट कितने से कितने? 0 से 3 बाहर, टी डीटी टी स्क्वायर बाय 2, सीधे सीधे लिख देते हैं लिमिट माइनस लो लिमिट, टी स्क्वायर बाय 2, 3 बाय 2, टी बाहर 3 बाय 2, और टी डीटी का जो टी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0 डिवाइड बाय 3, एवरेज आ रहा 9/2। यस ये है, कितने लोग एवरेज? यस सर ये है, यस सर ये था। अब आते हैं आरएमएस, आई आरएमएस इज इक्वल टू, पहले तो आज मुझे ये बताओ आरएमएस का फॉर्मूला याद हो गया सबको? मेरी तरफ देखो सब लोग, बोर्ड मेरी तरफ स्क्रीन पे, आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रल आई स्क्वायर डीटी अपॉन इंटीग्रल डीटी। अब दोबारा मेरे साथ बोलना, दोबारा दोबारा बोलो, आई आर एम एस इज इक्वल अंडर रूट इंटीग्रल आई स्क्वायर डीटी अपॉन इंटीग्रल डीटी। अगर इसी तरह से वी आर एम एस होता, देखो बेटा मेरी तरह सब लोग बोलो, वी आर एम एस क्या बोलते? वी आर एम एस इज इक्वल अंडर रूट इंटीग्रल टी स्क्वायर डीटी इंटीग्रल डीटी। चलो अंडर रूट इंटीग्रल आई स्क्वायर डीटी, इंटीग्रल आई स्क्वायर 9t² डीटी अपॉन इंटीग्रल डीटी, यानी कि पूरा टाइम जो कि 3 सेकंड, लिमिट 0 से 3 क्योंकि मैंने पूछा था भैया 0 से 3 सेकंड के बीच में कुछ और पूछो तो बोल देगा। 9 यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो 9 का तो यहाँ पे 3 बचेगा, 9/3 का डी आएगा, टी स्क्वायर डी टी, टी क्यूब बाय 3, टी क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 27 - 0। बोलो कोई देखकर कट गया अंडर रूट 27, 9 × 3 √3 अंडर रूट 27 √3 बोल दो। अंजनी का बिल्कुल सही आया था, सबसे पहले अंजनी ने बताया। बोलो बाकी लोग, yes, कितने लोगों का सही आया? यस सर यही आया था, गौरव का भी यही आया था, अनन्या का क्या आया था भाई? हाँ सर यही आया था, यही आया था। चलो समझ गया सब लोग, तो फिर और करते हैं, और करते हैं आरएमएस की प्रैक्टिस।
करंट वेरीज विद टाइम एस ए प्लस बी. अच्छा तुम लोगों को भी साइनसोइडल कराया नहीं कराया नहीं कराया ना साइनसोइडल. एक मैं कर देता हूं फिर. करंट वेरीज इन ए सर्किट एस आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी साइनसोइडल इसकी आरएमएस चाहिए. मैं कर देता हूं और इसके बाद जो है तुम लोगों को दूंगा क्वेश्चन तो वो तुम लोग करना. ये मैं कर देता हूं पहला क्योंकि अभी साइनसोइडल की एवरेज तो निकलवाई थी आरएमएस नहीं निकलवाई. देखो मैं करने जा रहा हूं. मैंने लिखा आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रल आई स्क्वायर डीटी इंटीग्रल इसका स्क्वायर. ये आई है ये पूरा आई पूरा आई इसका स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी लिमिट जीरो से टी नीचे लिमिट जीरो से टी पूरा टाइम रखना. बोलो संस्कार साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बच्चा इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा कैसे करें. इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पता होगा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा. फॉर्मूला पता करने की कोई जरूरत नहीं. साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2. अब मुझे करना क्या है. मैंने आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लिया टी बाहर ले लिया इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी बचा इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी को अगर मैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज डीटी लिख लूं तो कोई दिक्कत. साइन स्क्वायर थीटा को भैया कॉस टू थीटा के टर्म में लिखना होता है. कॉस स्क्वायर थीटा होता तो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाय 2 लिखते. साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस टू थीटा बाय 2 लिख रहे हैं. तो यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को मैंने लिख लिया इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी. बोलो याद है किसी को दिक्कत. कोई दिक्कत नहीं. अब बताओ अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी ये तो बाहर आ गया. ये तो बाहर लिया 1 डी टी इंटीग्रल 1 डी टी क्या लिखे इंटीग्रल 1 डी टी लिमिट जीरो से टी लिमिट जीरो से टी टी जीरो से इंटीग्रल 1 डी टी लिखिए. बोलो यस. अब लास्ट वाला तुमको करने की नहीं भैया इंटीग्रल कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रल एरिया कॉस 2 ओमेगा टी करना मत. लगने मत लगना कि कर कॉस 2 ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 लिखो फिर अब लिमिट लो लिमिट करो. हाँ क्लास की बिगिनिंग में यही तो बता रहा था इंटीग्रल साइन ओमेगा टी इंटीग्रल साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रल कॉस ओमेगा टी इंटीग्रल कॉस 2 ओमेगा टी डीटी इंटीग्रल साइन एन ओमेगा टी 10 ओमेगा 30 ओमेगा टी कोई भी तुम्हारा ऐसा ले लो ये वाला टर्म इंटीग्रल कॉस 2 ओमेगा टी होगा तो बेटा कॉस ही ना ऐसे जब उसका इंटीग्रेशन लोगे तो प्लस माइनस करके एक साइकिल का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे एरिया निकालोगे इंटीग्रेशन मतलब एरिया तो क्या ये वाला टर्म में सीधे उठा के जीरो रख दो. यस सर. बोलो. हां सर. मन ना हो रखने का तुम लिमिट रख के देखो तो भी जीरो आएगा. तुम बोलो नहीं रखेंगे हम लिमिट रख के देखेंगे तब भी देखो जीरो है. अब बताओ नीचे टी ऊपर टी कट गया अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय 2 यानी कि आई नॉट और ये रूट यहां पहुंच गया तो बोलो मुन्ना कितना आ रहा है. I not by root 2. I RMS I not by root 2 is 30.
आई नॉट बाय टू, ठीक लिख लिया? यस। अब है कोई परेशानी? नो सर। तो परेशान क्यों लग रहे हो बेटा? फैन नहीं चल रहा रूम में? फैन एसी नहीं चल रहा? सर चल रहा है। चल रहा है तो परेशान मत हो, कोई बात नहीं, होता है, इतनी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, क्या करें यार, इंजीनियर बनना है तो क्या करना है, पढ़ना ही पड़ेगा भाई। एक बात है, अभी पढ़ लोगे तो फिर चार साल फिर नहीं पढ़ना चाहता, बस यही है, इसी में जो पढ़ना है पढ़ लो। चलो ऐसे टेंथ भी कर रहा था सर। हाँ बोलो बेटा। ऐसे सर हर साल में सब लोग कहते हैं, इसी साल पढ़ लो अगले साल। अच्छा हर साल बोलते हैं यही तो गुगली हो जाती है सबकी भाई। देखो ऐसा है, लेकिन सच बता रहा हूँ, बीटेक करोगे ना तुम सब लोग तो इंजीनियर बनोगे ना। यस। हैं? तो इंजीनियर को तो तुम लोगों को पता है, इंजीनियर को तो पूरी दुनिया जानती है कि कितनी है, इंजीनियरिंग में तो कितनी पढ़ाई होती है। तुम तो इस बार ये लास्ट है, इंसान परेशान मत हो, इस बार जो बोला जा रहा है कि इस बार पढ़ लिया तो अगली बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये लास्ट है, इसके बाद सच में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तुम बीटेक में जाओ, पक्का तुमको मेरी बात पे भरोसा हो जाएगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा ये इस बार। कॉलेज वाले घर छोड़ के आएंगे हमें, कहेंगे चलो है? क्या कह रहे हो? कॉलेज वाले आएंगे घर छोड़, कॉलेज वाले आएंगे, कॉलेज वाले तभी घर छोड़ के जाएंगे जब पढ़ाई लिखाई तो चलो ना करो तब भी काम चल जाएगा, जब तुम कोई कॉलेज में बम फोड़ दोगे, अनलेस अंटिल तुम कॉलेज में बम ना फोड़ दो वाइस चांसलर के डायरेक्टर के घर में जाके, तब तक तुम्हें कोई घर नहीं छोड़ेगा, तब सब पास हो जाते हैं वहां पे। परेशान मत हो, आराम से रिलैक्स। चलो ये समझ में आ गया? यस सर। ये समझ में आ गया? तो अभी इसी का मिलता जुलता एक क्वेश्चन करो सब लोग। क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट करंट वेरीज विद टाइम एज ए प्लस बी साइन ओमेगा। कुछ ही देर पहले क्लास में मैंने तुम लोगों को इसकी एवरेज दिखाई, अब बारी है भैया आरएमएस की, एक साइकिल की इसकी आरएमएस बताओ ए और बी के टर्म्स। रिटर्न आंसर मत बताना, सॉल्व करके प्रॉपरली करें। और इस बार आंसर मुझे किसी नए बंदे से चाहिए, बाकी तो कई लोग जवाब दे रहे हैं बट कई लोगों का आंसर नहीं आता, जैसे विशाल, प्रथमेश पीपी फिजिक्स स्क्वायर पीपी, अमित कुमार, और अभी किसकी तो आवाज ही नहीं आई थी, किसकी मैंने बोला था तो कि किसी लड़के की आवाज आ रही थी, कौन थी वो, कृतिका थी क्या? आरएमएस निकालना किसके लिए? फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए कृतिका बेटा, समझ में आ रहा है? बाकी कौन कौन है? और आदित्य धनराज, धनराज साहब इधर खोयो, वीडियो ऑन करो सर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय टू। बिल्कुल सही, किससे आया ये आंसर? सर उबैद। गुड, लेकिन आंसर बताने में दिक्कत ये होती है ना कि फिर बाकी लोग अपना फिर छोड़ देते हैं उसी आंसर को, हो सकता है गलत हो, पर फिर इसलिए आंसर ना बता, बस ये बता दिया कि हो गया। अफीजा
ऑफिजा यस सर हो रहे हैं क्वेश्चन तुमसे बेटा यस सर कितना हुआ क्या है इसका आंसर सर कर रही हूँ अभी अच्छा कर लो हो गया yes. जितनी देर में तुम लोग एक क्वेश्चन लगा रहे हो उतनी देर में जब बीटेक करने जाओगे तो पूरा पेपर करके आ जाओगे क्योंकि उससे ज्यादा तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा चलो करते हैं इस क्वेश्चन को I is equal to a plus b sin omega t इसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए क्या करें I आरएमएस is equal to under root रूट मीन स्क्वायर RMS का मतलब ही ये होता है रूट फिर मीन मीन वो वाला स्टेप है जब तुम ऊपर और नीचे टाइम से डिवाइड करें तो मीन है स्क्वायर स्क्वायर मतलब इंटीग्रल आई स्क्वायर डीटी इंटीग्रल इसका स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर गलती से खाली ये मत कर देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर है कब तक ऐसी बच्चों वाली गलतियां करते रहोगे इंसान ए प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर है ये बनेगा ए स्क्वायर डी टी अलग अलग कर लो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और एक लास्ट मीटर में बचेगा बेटा टू ए बी साइन ओमेगा टी डी टी कितना तो आसान है नीचे टी ऊपर अंडर रूट लगा दो पूरे में हिला दो कितना तो आसान है अब बताओ टर्म्स क्या आएंगे पहले में आएगा ए स्क्वायर बाहर इंटीग्रल डीटी दूसरे में मुन्ना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अभी थोड़ी देर पहले ही इसका इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डीटी की वैल्यू निकाली थी वन माइनस कॉस टू थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू करके याद है कितना आया था जब हमने लास्ट बिल्कुल लास्ट में टू ए बी इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी इंटीग्रल साइन ओमेगा टी कितनी बार बताता हूँ इंटीग्रल जीरो इंटीग्रल साइन ओमेगा टी जीरो नीचे टी टी से टी कट गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय टू सिर्फ बी के नीचे बी स्क्वायर के नीचे पूरे में नहीं बोलो पल्ले पड़ा यस सर कितने लोग हैं यस सर आ गया सर यस सर यस सर चलो सब आ जाता है गौरव आ जाता है भाई अंजनी और अंजनी और अनन्या का आ जाता है बाकी लोग नहीं जवाब देते हफीजा नहीं देती प्रथमेश नहीं देता जवाब क्यों भाई प्रथमेश पीपी पीपी पांडे जी यस सर क्या करता है सर सर मैंने ऊपर गलती कर दी थी स्टार्टिंग में अच्छा ऊपर नीचे दोनों गलती करते दोनों कैंसिल हो जाती खाली ऊपर की गलती क्यों करते हो हैं और हफीजा तुम्हारा क्या आया सर सेम मिस्टेक मैंने भी की थी तुमने भी ऊपर गलती की यस सर अरे तुम्हारे ऊपर भी गलतियां क्यों हो रही किस सिस्टम में गलती थी यहाँ पे इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी यस सर हाँ वही पीछे अलग से कर देता हूँ तुम लोगों के लिए देखो इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी तो लिखते हैं इंटीग्रल वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी बाय टू वन बाय टू बाहर आ जाता इंटीग्रल डी टी बचता वन बाय टू फिर बाहर आता कॉस टू ओमेगा टी डी टी ये एक टर्म बचता
अब इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t dt वाला टर्म जीरो हो जाता और ये 0 टू t dt t बन जाता तो t/2 आ जाता वही t/2 मैंने कॉपी में बार बार बेटा जरूरत पड़ेगी सब लोग लिख लो देखो सब लोग कॉपी में ये इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी जीरो से टी जीरो जब भी आए सीधे लिख दो इंटीग्रल कॉस ओमेगा टी डी टी जब भी आए जीरो जब भी आए इंटीग्रल साइन एन ओमेगा टी डी टी जीरो जब भी आए इंटीग्रल कॉस एन ओमेगा टी डी टी मुन्ना जीरो ये जीरो लेकिन जब भी इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आए तो उसका आंसर लिखना टी बाई इंटीग्रल कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का है जीरो से टी तो उसका आंसर लिखना टी बाई अब ये मत पूछना इंटीग्रल साइन क्यूब ओमेगा टी डी टी और ये आरएमएस पे तुमको स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी क्यूब पावर फोर की जरूरत नहीं पड़नी तो हम क्यों परेशान देख लो तो कॉस एन ओमेगा टी डीडीटी में जीरो से टी ही तो होगा लिमिट क्या बोल रहे बेटा बोलो सर इंटीग्रल ऑफ कॉस एन ओमेगा टी डीडीटी में लिमिट हमारी जीरो से टी है ना लिमिट हमारी जीरो से टी एक साइकिल या एक साइकिल के मल्टीपल दो साइकिल तीन साइकिल चार साइकिल साइकिल पूरी हो बस जिसे वो प्लस वाला जो है ना वो सिमिट्री से माइनस वाले के साथ मैच कर जाए एक साइकिल दो साइकिल एन साइकिल साइकिल्स होनी चाहिए बोलो बेटा ठीक यस सर आरएमएस वैल्यू निकाल लो करंट है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा आरएमएस निकाल लो और ये होम असाइनमेंट है एक तरीके से जब नेक्स्ट क्लास मिले तो करके रहे ठीक है और आई थिंक क्लास क्या करना चाहिए आरएमएस हो गया क्वेश्चन बताइए अच्छा कुछ नहीं तो है तो सामने लिखा हो वन सेकंड में ना क्या करना है इसका ओके सर ठीक है चलो फिर आज की क्लास बाय सर थैंक यू सर गुड नाइट थैंक यू